और इसी बीच एक बड़ी खबर, इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिया। अक्षय बम ने नामांकन फॉर्म वापस ले लिया। इंदौर संसदीय चुनाव में अब कांग्रेस मैदान में नहीं है। ये तस्वीरें जो कि पोस्ट की है कैलाश विजयवर्गीय ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और इसी के साथ तस्वीर के साथ ही सब कुछ क्लियर होता हुआ आपको ये बताते चले कि मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने ये तस्वीर पोस्ट की है। और एक तरीके से आप समझिए कि कांग्रेस को एक बार फिर मध्य प्रदेश में झटका लगा। इंदौर लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए थे अक्षय कांति बम, लेकिन उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है और अब बहुत दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि अगर बात करें इंदौर लोकसभा सीट की तो 25 अप्रैल तक नामांकन भरे गए थे और नाम वापसी के लिए 29 अप्रैल आखिरी दिन था। और इसी बीच कांग्रेस को यहां पर झटका लगा है। 13 मई को वोटिंग होगी इंदौर में, और इससे पहले कांग्रेस पार्टी को झटका इस तरीके से, क्योंकि जो प्रत्याशी बनाए गए थे उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया।